मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, कांग्रेसियों में जबरदस्त जश्न। बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी संगठन में समय समय पर जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। इस बार भी एमपी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ ने एक आदिवासी विधायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा 3 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की है, जिसमें राधेश्याम मोवेल भग्गू आदिवासी और प्रकाश सिंह ठाकुर को आदिवासी कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि लंबे समय से यह जिम्मेदारी अजय शाह संभाल रहे थे, लेकिन अब डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम अजय शाह की जगह लेंगे। यह जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कांग्रेस कमेटी और कमलनाथ का आभार जताया है। ओमकार सिंह मरकाम की गिनती वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरों में होती है। मरकाम लगातार तीसरी बार डिंडौरी विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। वह 2008 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। 2018 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इसके अलावा वह पार्टी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि मरकाम आदिवासी वर्ग के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग सत्ता की चाबी कहा जाता है। प्रदेश के 48 विधानसभा सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है। फिलहाल सिवनी की घटना को लेकर प्रदेश में माहौल गर्म है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है, जबकि बीजेपी का फोकस भी आदिवासियों पर बना है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग अहम भूमिका निभाएगा। आदिवासी वर्ग में ओमकार सिंह मरकाम की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में कमलनाथ द्वारा उन्हें सौंपी गई यह जिम्मेदारी भी अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक बने रहे सरोकार इंडिया के साथ। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।